हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं सलमान बर्ड ब्लॉग। दोस्तों, बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो आई है। वीडियो में आज आपको दिखाने वाला हूं, आज हमारे ब्लॉग में है कि मैंने अंदर कॉलोनी के अंदर सेटअप के अंदर कुछ सेपरेट केज लगाए थे। तीन जो केज थे वो मुझे शेयर करने थे, तो वो मैंने केज हटा दिए अंदर से। वो अब मैं आपको दिखाऊँगा कि अंदर जो मैंने केज रखे थे वो कौन से थे और मैंने क्यों हटाए हैं। तो गाइस, ये देखिएगा अंदर, ये सामने यहाँ पर आपने केज देखे होंगे, तीन केज सेपरेट केजेस जो लगे हुए थे, एक टावर, तीन केज का एक टावर यहाँ लगा रहता था और मैंने तीनों में ब्रीड भी ली थी, लेकिन मैंने ये केज हटा दिया है और दिखाऊंगा मैंने कहाँ रखा है केज और मैंने क्यों हटाया है। दोस्तों, पहले तो आप देख रहे होंगे ये केज हटाने से यहाँ पर कितनी स्पेस हो गई है, कितनी जगह हो गई है। और वो जब यहाँ केज लगा रहता था तो यहाँ पर जगह कम थी निकलने के लिए, तो ये वाले भी केज दबे रहते थे उससे और यहाँ पर केज लगे रहने से। तो ये वाले जो केज हटाने से सबसे पहले जगह मिल गई। मैं यहाँ पर धुलाई भी करता हूँ पानी की, तो यहाँ पर नीचे नाली थी तो यहाँ से सफाई नहीं हो पाती थी, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने हटाया। और दूसरी बात, तो कुछ केज वो पुराने भी हो गए थे इसलिए भी मैंने हटाया। और तीसरी वजह थी कि मुझे अब कुछ बस सेपरेट बर्ड रखने हैं, कुछ दोस्तों कुछ बस मुझे थोड़े ही पेयर रखने हैं, ज़्यादा मुझे बढ़ाने नहीं हैं। और सेपरेट केज इसलिए मैंने हटा दिए। सिर्फ ये वाले छः केज हैं, ये वाले जो मैंने पिछले साल लिए थे, लास्ट ईयर छः केजेस, ये वाले तो रहेंगे। और दूसरी तरफ ये वाले जो पुराने केजेस हैं, इसमें दीवार में जो फिक्स हैं, ये वाले रहेंगे, ठीक है। तो और ये कॉलोनी तो हमारी रहेगी रहेगी, ये वाली, इसको मुझे कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर जो केजेस थे वो मैंने हटा दिए, जगह भी खुल गई और यहाँ पर इनको भी थोड़ा सा जगह मिलेगी, हवा मिलेगी इनको, क्योंकि वो यहाँ से इसको सामने से प्रॉब्लम हो रही थी। और इसको और दोस्तों, हो सकता है मैं ये वाले जो सामने वाले जो केजेस हैं, ये और ये, इन दोनों को उठाकर मैं सामने लगा दूँ। यहाँ पर जब बच्चे निकलते हैं, चिक्स निकलते हैं, इनको मैं सेपरेट करता हूँ इसमें। और आने वाले टाइम पे हो सकता है उसमें मैं कॉकटेल भी रखूँ, पैचलेस या अल्बाइनो, तो ये भी मेरा इरादा है। इन केज में जो बड़े वाले केज मैंने आपको दिखाए, ये वाले, इसमें कॉकटेल का पेयर भी रह सकता है। एक केज में पट्ठों के लिए रहने दूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये तीन, दो केज नीचे के वो खाली हैं अभी, ये वहाँ पर ये बर्ड हैं। और दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ कि वाले केज कहाँ पर हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाले केज हैं वो, ये देखिए दोस्तों, ये वाले केज हैं जो अंदर लगे हुए थे। ये मैंने तीन केज इनको निकाल दिया है और ये पूरी तरह खोल दिया है। और देखेंगे आप इसकी जो हालत है ट्रे की, ये इस तरह से गल गई थी, ज़्यादा गल गई थी। और ये कुछ थोड़ी ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। और इसका ये फ्रेम है, मुझे खोलना इसलिए पड़ा क्योंकि अंदर से निकल नहीं पाता पूरा केज बना हुआ टावर, तो मुझे खोला और ये मैंने केज बने बनाए ये निकाल लिए थे। तो दोस्तों, मैंने एक भाई ने मुझसे बात कर ली है, ये केज मैंने सेल कर दिए हैं, बस वो आज लेने आ जाएंगे, उनको मैं दे दूंगा ये केज। तो मैंने सोचा आज देने से पहले आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने क्या जो है अपनी कॉलोनी में से हटाया है और मैं क्यों मैंने हटाया है, तो ये आपको अपडेट देनी थी। और कुछ बजीज भी मैंने मंगाए हैं अपने स्पेंगल बजीज अपनी कॉलोनी के लिए, तो ये आप देखिए, इसलिए मैंने मटकियाँ नहीं लगाई थी अभी, टेम्परेचर भी ठीक नहीं चल रहा था, ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर नहीं था। तो ये मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, सितंबर से लगाऊंगा, थोड़ा लेट लगाऊंगा, लेकिन ब्रीडिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। तो इस वक्त मौजूदा दोस्तों देख सकते हैं टेम्परेचर कितना है, अभी 34 है, 34.3 सेल्सियस टेम्परेचर है और 46.46% ह्यूमिडिटी है। फिर हम इसमें मटके लगाना शुरू कर देंगे और उधर बॉक्सेस लगाएंगे। बॉक्सेस दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं बॉक्सेस अभी यहाँ लगे हुए हैं। जब बॉक्स लगाने का टाइम आएगा फिर हम यहाँ से हटाकर केज में लगाएंगे।